निगम बनाकर नगर निगम को रख दिया गया है। पहले तो नगर निगम का उसको सम्मान वापस लौटाने का काम करेंगे, फिर हम लोग लगातार वार्ड वार्ड घूमने का काम करेंगे और एक तरफ विनीता बिट्टू सिंह जाएंगे, दूसरी तरफ रितेश रंजन बिट्टू सिंह जाएंगे। बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो नगर निगम नगर पंचायत हैं वहां पे चुनाव होने हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर पटना से निकलकर सामने आई है विनीता बिट्टू सिंह के नामांकन समारोह की। काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे। आपको बता दें कि 19 नगर निगम पूरे बिहार में चिन्हित किया गया है जहां पे चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना का जो चुनाव है वो काफ़ी अहम है। एक तरफ जहाँ बिहार की राजधानी पटना है, वहीं 75 वार्ड का ये नगर निगम का क्षेत्र है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला वोट बैंक पर करारा प्रहार बोला, करारा हमला बोला और महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए भरसक प्रयास किया, उसी क्रम में पटना में मेयर और उपमेयर प्रत्याशी को लेकर लगातार चर्चा है। और ऐसे में महिला प्रत्याशी उतारा जाएगा, इसलिए कि सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है विनीता बिट्टू सिंह के नामांकन के दौरान की, और उसके बाद बिट्टू सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छ पटना, सुंदर पटना बनाने का उनका संकल्प है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिहार की जो राजधानी है वो कैसी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं पटना स्मार्ट सिटी के तौर पर कैसे डेवलप होगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर वो दावा कर रहे हैं। और पहले ही वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनके पूरे बयानों को सुनिए। स्वच्छ बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, यही तो हमारा प्रयास है और हम इसको बना के रहेंगे। चुनौती कड़ी है, कैसे देखते हैं? नहीं, चुनौती तो कुछ कड़ी नहीं है। चुनौती इसलिए कड़ी थी क्योंकि अभी तक कोई काम हुआ नहीं था, और अब जब जनता हमको चुन के लाएगी तो चुनौती कड़ी नहीं है, उनका समर्थन, उनका सहयोग मिलेगा और सारा चीज आसान हो जाएगा। मैम, यदि आप चुनाव जीत जाती हैं तो पहला काम वो कौन सा आप करेंगी, जिसको मतलब पहला प्राथमिक काम करेंगे? देखिए, पहला काम तो मेरा यही होगा कि हम अपने शहर को विकसित करने के लिए, अपने हर वार्ड को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यही मेरी प्राथमिकता होगी इसमें सारा कुछ। विनीता जी, नॉमिनेशन करवा लिया है, आगे की रणनीति कैसे तय करेंगी? देखिए, हम अभी नॉमिनेशन करा के ही बाहर निकले हैं और पहला काम मेरा ये रहेगा कि हम स्लम एरियाज को उसमें सुविधा देने का, उसको मकान का, पानी का, बिजली का हम सुविधा, और वेंडिंग जोन भी हम बना के वेंडर्स को एक निश्चित स्थान देने का प्रबंध करेंगे। ये तो एक मुख्य मुद्दे आपने बताए जो आप करेंगे जी, मगर जनता आप जानना चाहती है कि विनीता बिट्टू सिंह का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे पटना को स्मार्ट बनाएंगी, क्योंकि दावे हर लोग कर रहे हैं। देखिए, अब तो ये समय आने पर ही हम ये करेंगे, और हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम जो करेंगे हम वादा कर रहे हैं आपसे और जनता से, हम वादा कर रहे हैं, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, और कि हम जब आते हैं तो मेरा पटना स्वच्छ पटना, स्वस्थ पटना बनेगा और एक विकसित पटना बनेगा, जो हमारा गौरव है वो फिर से लौट के आएगा। आपने रोड मैप तो तैयार किया होगा ना चुनावी मैदान में आने से पहले? हाँ बिल्कुल तैयार किए हैं, और वो हम समय आने पर बताएंगे। आपने बता रहे बिट्टू जी तो बता ही देंगे, इससे पहले आप लगातार पिछले कई महीनों से लोगों के बीच आ रहे थे, समझ तो आपने जानी ही होगी। हाँ देखिए, एक बात समझिए, रोड मैप जो हम लोगों का जो रोड मैप है वो 25 तारीख को पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग लोगों के सामने बताएंगे, और उस दिन आपको पूरा क्रमबद्ध बताएंगे कि हम लोग नगर निगम के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। 23 तारीख को पटना की जनता जान जाएगी कि आगे का रोड मैप। 25 तारीख को, 25 तारीख को। देखिए, हम लोग 6 महीने से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, हर वार्ड में घर घर जाने का काम किए हैं, 740 किलोमीटर चलने का काम किए हैं 75 के 75 वार्ड में।
और अभी भी प्रयासरत हैं। आज नॉमिनेशन था हम लोगों का, विनीता बिट्टू सिंह जी का नॉमिनेशन था और कल से फिर हम लोग लगातार वार्ड वार्ड घूमने का काम करेंगे और एक तरफ विनीता बिट्टू सिंह जाएंगे, दूसरे तरफ रितेश रंजन बिट्टू सिंह जाएंगे। क्या कुछ प्राथमिकता होगी मैम, क्या कुछ क्षेत्र में? देखिए प्राथमिकता का अगर बात करेंगे तो हम लोगों का प्राथमिकता जो नरक निगम बनाकर नगर निगम को रख दिया गया है, पहले तो नरक निगम का उसको सम्मान वापस लौटाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, जिस बुरे हालत में करके रख दिया कर्मचारियों का, उन लोगों का उत्थान करने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे, उन लोगों का सैलरी दोगुना करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो टैक्स कचरा उठाने का जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को तत्काल रोक लगाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।